जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज ये समझने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन कैसे पड़ा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। बांके बिहारी भी कहते हैं, मधुसूदन भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं, गोविंदा कहते हैं, और ऐसे बहुत अनेकों नाम हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण को पुकारा जाता है। अब देखिए, जो नाम इनका मधुसूदन पड़ा है तो इसका हम संधि विच्छेद कर दें, मधु प्लस सूदन। देखिए, मधु जो नाम आया है तो ये मधु नाम का एक दैत्य था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, और सूदन का अर्थ होता है मार देना, नष्ट कर देना। तो अब अगर जोड़ें आप तो मधु दैत्य और प्लस सूदन, सूदन मतलब मार दिया, तो अब इसका पूरा हो गया कि मधु दैत्य को मार दिया, ये हो गया मधुसूदन। किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने। तो फिर से मैं आपको बता दूंगा एक बार कि देखिए, मधु का मतलब होता है कि मधु नाम के दैत्य था, मधु नाम का दैत्य था, माफ करिए, और सूदन का मतलब होता है मार देना। तो चूंकि मधु नाम के दैत्य को मारा था भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया मधुसूदन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मधुसूदन नाम कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे।